Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. चलिए आगे साउंड आ गया होगा मेरे ख्याल से, सुनिए। कंप्यूटर इसे बोल दिया, देखो साउंड आ गई होगी। चलिए साउंड, साइलेंट क्लास नहीं है, साइलेंट क्लास नहीं है। रेहान अर्शद, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, साउंड प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। हो गया, ओ आ गया, आ गया साउंड, आ गया। चलो साउंड आ गया, साउंड आ गया, साउंड आ गया, साउंड आ गया। चलो तो हमारा जो ये सीरीज होगा बेटा आज का, ये हमारी जो सीरीज है इसमें हम बात करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस की भी और एज वेल एज करंट अफेयर्स की। और जो हमारा रिवीजन आज का है वो होगा अप्रैल का और मई का। अप्रैल मई से हम रिवीजन क्लास करेंगे, क्या क्या करंट अफेयर्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आइए देखते हैं फटाक से। पहला क्वेश्चन है TREDS, ट्रेड्स इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं और इसका सही आंसर क्या होगा। आ गया आंसर, इसका सही आंसर है MSME। तो MSME बिल्कुल सही आंसर है, आपको MSME लर्न करना है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जहां पर आपको इसके आंसर भी दिखाई देंगे और इसमें क्या चीज आपको लर्न करनी होगी, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। तो नेक्स्ट स्लाइड अभी आ रही है आपके सामने और नेक्स्ट स्लाइड में ट्रेड्स का फुल फॉर्म भी दिया है, ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम। ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम, ये आपको लर्न करना है। एमएसएमई को लोन प्रोवाइड करने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। एमएसएमई बिल्कुल सही आंसर है। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है आज का, देखिए यहां पे, नेम द प्लेयर टू अटेन द टॉप पोजिशन इन द रिसेंट ISSF वर्ल्ड रैंकिंग इन द 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी। आपको बताना है उस प्लेयर का नाम जो ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर पिस्टल में टॉप कैटेगरी पर था। आपके सामने चार ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर क्या होगा आपको वो आंसर देना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या सही इसका आंसर है। हाँ बिल्कुल, ऋषि रंजन बोल रहे हैं वांट टू थैंक्स, ऋषि थैंक यू आपको भी कि आपने हमें ट्रस्ट किया। और सही आंसर क्या होगा, यहां पर चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या है, नहीं इसका सही आंसर है शहजार रिजवी, यानी ऑप्शन नंबर सी। शहजार रिजवी है, जीतू राय नहीं है, शहजार रिजवी है। कैसे रिजवी है आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जहां पर आपको हम और भी इंफॉर्मेशन देंगे। फटाक से देखिए यहां पर, देखिए यहां पर क्या बोला गया है, इंडियन शूटर शहजार रिजवी जो है इन्होंने टॉप पोजीशन गेन किया है 10 मीटर एयर पिस्टल रैंकिंग में मई फर्स्ट को किया, ठीक है, आफ्टर विनिंग द सिल्वर मेडल एट द ISSF वर्ल्ड कप इन चंगाओ साउथ कोरिया, यानी साउथ कोरिया में ये इवेंट हुआ था। इसके साथ ही क्या बोला गया है, टॉप 10 में जीतू रॉय भी हैं जिनकी पोजीशन 6 है और प्रकाश मिथवाल है जिनकी पोजीशन 12 है। तो जीतू रॉय की पोजीशन 6 है, ये आपको लर्न करना है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा, ये एक रिवीजन टाइप का है, फटाफट आपको रिवीजन करना है जल्दी से। विच अमंग द फॉलोइंग
country's cricket team has been rewarded that with one day international status for the first time ever in their history. मतलब पहली कोई ऐसी टीम है जिसे कि one day international का status दिया गया है. आपको उस कंट्री का नाम बताना है. सुदीप पॉल, बैंकिंग पर क्लास कॉन्टिन्यूअस रहेगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. हमारे पास 5-6 वीडियो हैं, आप उसे देखें फटक से. और बीएस के आंसर है नेपाल. ये नेपाल बोल रहे हैं, क्या नेपाल सही आंसर है? और देखते हैं, कोमल बोल रही है नेपाल, हृदिक बोल रहे हैं नेपाल, नेपाल नेपाल. तो नेपाल एक ऐसी कंट्री है जिसे पहली बार मिला है वन डे इंटरनेशनल का स्टेटस. हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर आपको हम थोड़े से एक्सप्लेनेशन भी देंगे. देखो नेपाल की बात करें तो नेपाल ने पपुआ न्यू गिनी को हराया है. कहां पर आया है? क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ में. तो नेपाल ने पपुआ न्यू गिनी को हराया है, तो नेपाल को पहली बार वन डे इंटरनेशनल का दर्जा मिल गया है. बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं. ये बेटा एक रिवीजन है आपका अप्रैल और मई का, फटाफट रिवीजन, और ये वो रिवीजन है जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं. बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं. आइए जी, थ्री कंट्री ऐड हुई है, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, थ्री कंट्री. अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको है. आइए क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर, द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ द एनएफआरए एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर फॉर द ऑडिटिंग प्रोफेशन. विच वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएफआरए? मतलब जो ये प्रोफेशनल हम लोग हैं, इनकी ऑडिटिंग करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनएफआरए को बनाया है. ये एनएफआरए का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी से मुझे बताएं. ये NFRA का, हाँ बैंकिंग, कोमल बैंकिंग भी है बेटा, परेशान मत हो. ये जो हमारा सीरीज है ये आपको RBI ग्रेड बी में और RRB PO में, इंडियन बैंक PO में, सब में हेल्प करेगा. बिकॉज जुलाई की बात होगी, मई की बात होगी, जून की बात होगी, हम सब रिवीजन करवा रहे हैं फटाफट यहां पर. और क्या इसका सही आंसर होगा? और यहां पर आंसर आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, लोग सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं. और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं. नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑप्शन नंबर फर्स्ट. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम क्लिक करेंगे और मतलब लॉक करेंगे, और यह बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है. तो यहां पर देख लीजिए, आपको एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है हर क्वेश्चन की. तो यूनियन कैबिनेट ने नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी सेलेक्ट की है, जो कि प्रोफेशनल्स की ऑडिटिंग करेगा. कंपनी एक्ट 2013 में चेंजेस कर किए गए इसके लिए, ठीक है? तो ये हमने आपको बता दी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर है. ध्यान देना, यहां पे हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन पर्सनली सेलेक्ट किए गए हमारे टीम के द्वारा जो बैंकिंग एग्जाम में आ सकते हैं. आइए क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर फाइव जो है ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, और बैंकिंग के क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं. विच अमंग द गिवन इज नॉट द फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें कौन सा फंक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नहीं है, आपको ये एक्सप्लेन करना है. और आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको सही आंसर चूज करना है. जरा देखिए यहां पर, हाँ ऋतु रुतल बेटा, ये NIACL के लिए भी है. हम क्या बोल रहे हैं आपसे कि हम पूरी आपको रिवीजन करवाएंगे यहां पर क्वेश्चन और आंसर की. और कॉमन मैन का आंसर आया ऑप्शन डी, मतलब कि इश्यूज एंड एक्सचेंज करेंसी नोट्स एंड क्वाइन. भाई ये तो होता है, अगर आप क्वाइन को हटा दें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्वाइन को बनाती तो है लेकिन सर्कुलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही देखता है, तो ये आंसर गलत हो गया आपका. और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी लोग बोल रहे हैं, तो सुन ले ध्यान से. देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी भी इंडस्ट्रीज को लोन नहीं देती है, रीफाइनेंस नहीं करती है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है. तो ऑप्शन डी को हम लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल लॉक कर रहे हैं. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये जो वर्क करती है वो आपके सामने है. ऑप्शन डी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है. आपको एक स्लाइड दिख रही होगी यहां पर, जहां पर आपको आंसर भी दिख रहे होंगे. हाँ डी इज 100% करेक्ट. ऐसे ही मेरे साथ बने रहे और धमाल मचाते रहे. अच्छा अगर आपको लगता है कि इस शो में कुछ चेंजेस करने चाहिए तो आप हमें उसका सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं. आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स इज बेस्ड ऑन अवार्ड, और हम अवार्ड की बात कर रहे हैं. रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, हर एग्जाम के लिए जरूरी है. विच अमंग द फॉलोइंग वन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 90th एकेडमी अवार्ड, मतलब 90वें ऑस्कर अवार्ड में किस मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है, यह आपको बताना है. सिब्या, मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूं बेटा कि ये मेंस के लिए क्लास तो है ही, और आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है बेटा, आपको बैंकिंग पढ़नी है, तो माइंड में डाउट मत रखिए, सब एग्जाम में ये चीजें आएंगी, ठीक है? और यहां पर आंसर आ रहे हैं, ए बोल रहे हैं लोग, ए बोल रहे हैं. सही आंसर क्या है? द शेप ऑफ वाटर. एक तरह का ये रिविजन है, एक तरह का हमारा प्रयास है कि शॉर्ट टर्म में हम काफी नॉलेज आपको दे सके. तो आंसर सही है द शेप ऑफ वाटर. आपको यहां पर स्लाइड में आंसर भी दिख रहे होंगे द शेप ऑफ वाटर. आइए अब एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो बैंकिंग के एग्जाम में हमेशा आ जाते हैं. देखिए Which bank launched first rupee ATM and micro ATM card with Aadhaar number? किस बैंक ने पहला रुपे एटीएम और माइक्रो एटीएम कार्ड लॉन्च किया है विद आधार नंबर, जहां पर आपके आधार नंबर भी शो होंगे? आपको उसका आंसर करना है. यहां पर पांच ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं.
संदीप पॉल आप पूछ रहे हैं मुझसे कि क्या मेरे बैंकिंग क्लास इनफ है। बेटा हम कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ इनफ करें। मेरा नंबर भी आप ले सकते हैं, वहां पर भी आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर दूंगा। और अब आपको इसका आंसर देना है जो मैंने आपको दिया है। कुछ लोग पूछ रहे हैं एकेडमी अवार्ड के बारे में और डीप में इंफॉर्मेशन। बेटा हमने एक रास्ता आपको दिखाया है, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है तो आप सर्च कर सकते हैं, बिकॉज हर क्वेश्चन हर पॉइंट यहां पर हम अलग से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं बेटा, प्लीज समझिए। और यहां पर अब इस क्वेश्चन के आंसर लोग एसबीआई बोल रहे हैं, क्या एसबीआई सही आंसर है? यहीं पर गलती होती है, यहीं पर गलती होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ इंडिया। ये जो बैंकिंग एप्लीकेशन है, कार्ड है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं और बैंक ऑफ इंडिया सही आंसर है। बैंक ऑफ इंडिया क्लिक कर दीजिएगा, एग्जाम में गलत कर देंगे आप लोग, बैंक ऑफ इंडिया सही आंसर है। आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8? ये क्वेश्चन समिट पर बेस्ड है। समिट एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट एवर ताइवान एक्सपो, ताइवान एक देश है, ताइवान एक्सपो इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन सिटी बाय द ताइवान एक्सटर्नल ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल इन मे 2018। मतलब आपको बताना है कि किस शहर में ताइवान एक्सपो जो है वो सम्मेलन हुआ, उसका ताइवान एक्सटर्नल ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल ने ये किया। यहां पर चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जल्दी आंसर दें। हाँ, हमारे 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 शो में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो आपने पढ़े नहीं है। मैंने क्या बोला था, हम वो काम करते हैं जिससे आपको हेल्प मिले, हम आपको बेवकूफ बनाना नहीं चाहते हैं, हम वही क्वेश्चन लेके आएंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। और यहां पर आंसर आना शुरू हुआ है, लोग बोल रहे हैं न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, कुछ लोग हैदराबाद बोल रहे हैं। तो बेटा ताइवान याद कर लेना, डीटी, दिल्ली ताइवान, दिल्ली ताइवान, इस तरह से आप एक कहानी बना लो, दिल्ली में ताइवान का ये एक्सपो हुआ दिल्ली में, ठीक है। सही आंसर है दिल्ली, दिल्ली बिल्कुल सही आंसर है। रिवीजन करते हैं फटाफट, यहां पर स्लाइड मिल रही है जहां पर आपको हम एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो इसके, ठीक है। दिल्ली सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज साइंड अ ट्राई पार्टी MOU विथ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी एफिशियंट बिल्डिंग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, किस स्टेट ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी के साथ एक MOU साइन किया है, MOU एग्जाम में आते हैं कि एनर्जी एफिशियंट बिल्डिंग बनाने के लिए। ये जो उज्ज्वला स्कीम है बेटा, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी स्कीम ही दिख, एनर्जी एफिशियंसी दिख रहा है। और अब आपको इसका आंसर देना है। राजीव द्विवेदी आप वीडियोस को देखिए, मैंने क्या बोला है बेटा, ये रिवीजन क्लास है। अगर आपको इसके नए क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप प्लीज वीडियो को रिपीट करें या स्क्रीनशॉट लेते रहें और उसको नोट करते रहें। और अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दें। यहां पर कॉमन मैन का आंसर आया आंध्र प्रदेश, क्या आंध्र प्रदेश सही आंसर है? और लोग का देखते हैं, लोग कर्नाटका बोल रहे हैं कुछ लोग, यानी उनको ये इंफॉर्मेशन नहीं है, हरियाणा भी बोल रहे हैं और इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। तो यहां पर दोस्तों हमारी एक्सप्लेनेशन की साइट आ रही है जहां पर आपको सारे एक्सप्लेनेशन दिख रहे हैं कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है, मतलब एक एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड आंसर आ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या होगा आज का, एलिफेंट फेस्टिवल इज एन इंपॉर्टेंट फोक फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड बाय विच सिटी ऑफ इंडिया। एलिफेंट महोत्सव किस शहर में ऑर्गेनाइज किया गया, ये आपको बताना है। और यहां पर चार ऑप्शन फिर से आपके सामने हैं। एलिफेंट फेस्टिवल, ये जो फेस्टिवल है, एक फेस्टिवल से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। और हमने यहां पर मार्च अप्रैल से लेकर जो डाला है इंफॉर्मेशन मेरे तक, उसमें एलिफेंट को हमने चुना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था, जल्दी बताएं मुझे। और कॉमन मैन का बिल्कुल सही आंसर आया है, और देखते हैं कॉमन मैन के बाद कौन है। और कुछ लोग कोची बोल रहे हैं, कोची बोल रहे हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? कुछ लोग भोपाल बोल रहे हैं, इसका सही आंसर है बेटा जयपुर, जयपुर सही आंसर है। आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये चीज दिखाई दे रही होगी, होली के अवसर पर जयपुर में होली फेस्टिवल होता है, होली के अवसर पर ये एलिफेंट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। चलिए, नहीं तो सही आंसर है जयपुर, पिंक सिटी जयपुर, वेरी गुड कॉमन मैन, बहुत बढ़िया बेटा। और भी बच्चे हैं जो सही आंसर दे रहे हैं, हम देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं जो बेस्ड है स्कीम पर। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 11, नेम द स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली टू इंप्रूव लर्निंग लेवल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 3 टू क्लास 9। मतलब कि आपको उस स्कीम का नाम बताना है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्कूल्स में क्लास 3 से लेकर क्लास 9 तक के एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए। और आपका सही आंसर क्या होगा, आपको सही आंसर देना है। यहां पर सुनील साहू बोल रहे हैं कोची दिया मिर्जा ब्रांड एंबेसडर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, मिशन बुनियाद। यहां पर कॉमन मैन फिर से बोल रहे हैं मिशन बुनियाद, बट ये श्योर नहीं है यहां पर। और देखते हैं कौन लोग सही आंसर दे रहे हैं। यहां पर अमन खान बोल रहे हैं मिशन बुनियाद, ओके 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 ओके, और इसका सही आंसर है मिशन बुनियाद, बिल्कुल सही मिशन बुनियाद। तो यहां पर एक एक्सप्लेनेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, द दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च द मिशन बुनियाद स्कीम टू इंप्रूव लर्निंग लेवल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 3 टू क्लास 9, वेरी गुड, बहुत अच्छे, जय माता दी रॉक्स, बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखो जल्दी चलना है, मैंने पहले ही बोला है कि हमें जल्दी चलना है, हमें सारे क्वेश्चन कवर करने हैं, ये रिविजन है एक तरह का। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट रिपोर्ट बाई सिमटेक, वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया वर्ल्ड वाइड इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट वैल्यूनेबल कंट्री इन टर्म्स ऑफ रिस्क ऑफ साइबर थ्रेट। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन है सिमटेक, इसने एक रिपोर्ट जारी की है इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट रिपोर्ट, और जो रिस्क है साइबर अटैक के हमारे इंडिया पर, तो इंडिया किस नंबर पे है आपको ये बताना है। यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन दिखाई आपको दे रहे हैं, जल्दी बताएं इंडिया की रैंक। आपके एग्जाम में इंडेक्सेस से क्वेश्चन आते हैं, तो इंडेक्स से क्वेश्चन में दिया है प्रभात, यहां पे बोल रहे हैं थर्ड, और देखते हैं यहां पे फर्स्ट भी कोई लोग बोल रहे हैं, फोर्थ भी बोल रहे हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है, हाँ दीपा मित्रा बिल्कुल सही, आपने 100% लगा दिया है, इसका सही आंसर है थर्ड। तो इंडिया की रैंकिंग इस इंडेक्स में थर्ड है, आपको यहां पर इंफॉर्मेशन भी दिखाई दे दी जाएगी, एक्सप्लेनेशन भी हमने दिया हुआ है। दोस्तों इस क्लास को एज अ रिविजन क्लास लीजिएगा, और मतलब आपने जो पढ़ा है क्या आप उससे आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने आज का मंथ चूज किया है अप्रैल और मई, कल फिर क्लास होगी 11:30 पर, और कल हम स्टैटिक पॉइंट को ज्यादा रखेंगे, और हम जून के करंट अफेयर्स की बात करेंगे, तो प्लीज जून के करंट अफेयर्स पढ़कर आइएगा, ये एक तरह का रिवीजन क्लास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज आल्सो बेस्ड ऑन इंडेक्स, इंडेक्स से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ये डे पे क्वेश्चन है, डे पे क्वेश्चन है, और डे पर भी क्वेश्चन आता है। व्हेन इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व्ड, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे किस दिन मनाया जाता है। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जाम में WIPO पर एक क्वेश्चन था, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहां पर डाला हुआ है, आपको उसका आंसर देना है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको बताना है। यहां पर चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। गाइस अगर आपको हमारा शो अच्छा लग रहा है, अगर आपको रिवीजन हो रहा है, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। और यहां पर फिर से आंसर आ रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं क्या, लोग बोल रहे हैं 26 अप्रैल, तो 26 अप्रैल को मैं लॉक कर रहा हूं, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। एक्सप्लेनेशन कंप्यूटर जी दिखा रहे हैं आपको यहां पर कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हर साल सेलिब्रेट करता है 26 अप्रैल को, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। आइए वापस आइए, क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावनाएं होती हैं। व्हाट इज द न्यू इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल ऑन डिपॉजिट इन एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2017-18। अगर आप जब गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो आपका पीएफ कटता है, और आपको पीएफ पर इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट की बात हो रही है कि कितना इंटरेस्ट आपको ईपीएफओ पे मिलेगा, ये आपको बताना है। यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है मुझे। और अमन खान बोल रहे हैं 8.55%, कॉमन मैन 8.55%, देखते हैं क्या सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, और बेटा इसका आंसर है 8.55%, तो 8.55% सही आंसर है। हमारे कंप्यूटर जी आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखा रहे होंगे, एक्सप्लेनेशन आपको देखना पड़ेगा, अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक्सप्लेनेशन कंप्यूटर पे रहेंगे, आप उसे और डीप में देख सकते हैं, ठीक है। 8.55% ईपीएफओ में इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपका जो पीएफ कटता है उस पर आपको ब्याज मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये अभी हमारे कॉमन मैन हमसे पूछ रहे थे कि ये एएसबीए क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है एएसबीए का, हम उसकी बात भी करेंगे, फुल फॉर्म आपको हम एक्सप्लेनेशन में दिखा देंगे। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, ये किससे जुड़ा हुआ है, किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, इसमें चार ऑप्शन में आपको इसका आंसर देना है। कुछ कमेंट तेजी से आते हैं तो मैं देख नहीं पाता, बट मैं अभी आपको देख पा रहा हूं, ठीक है। और अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दे, ये बैंकिंग फाइनेंस का क्वेश्चन है, एएसबीए किस फील्ड से जुड़ा हुआ है, प्लीज और प्लीज आंसर करें फटाक से। यहां पर कमेंट रुक गए हैं, क्या दिक्कत है। और अर्पण बनर्जी बोल रहे हैं एक मतलब म्यूचुअल फंड, ओके। जागृति बोल रही है आईपीओ लोग बोल रहे हैं, और ए म्यूचुअल फंड्स बोल रहे हैं, नहीं बेटा ये आईपीओ से जुड़ा हुआ है, आंसर होगा आईपीओ सी। एसबीए क्या होता है, जब आप किसी कंपनी का आईपीओ अप्लाई करते हो, मान लो फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपए के शेयर खरीदे, तो जब आप अप्लाई करते हो ना, तो ये जो पैसा है 1000 रुपए, ये आपके डीमैट अकाउंट में ब्लॉक पड़ जाता है, और जब फाइनली आपको शेयर मिलेगा तो ये पैसा कट जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, एएसबीए आईपीओ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा अगर आपको डीप इंफॉर्मेशन नहीं है तो अभी के लिए क्वेश्चन को रट्टा मार लें, ठीक है। चलिए तो यहां पर आपको हमारे कंप्यूटर जी एक्सप्लेनेशन भी दिखा रहे हैं, एएसबीए का फुल फॉर्म एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, कई बार आपके एग्जाम में इसके फुल फॉर्म भी पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। हाँ बिल्कुल रेखा, हाँ एकदम सही बेटा, बिल्कुल सही। पीलू बोल रही है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग सही आंसर है। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं, आपको एक स्पोर्ट्स पर्सन का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, और यहां पर एक क्वेश्चन है एच एस प्रणॉय इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, आपको बताना है एच एस प्रणॉय कौन से खेल से जुड़े हुए हैं।
एकता खास पूछ रही है, व्हाट इज आईपीओ? बेटा आईपीओ का मतलब होता है जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर इशू करती है पैसा उठाने के लिए। हालांकि पूरी डेफिनेशन है, व्हेन एन अनलिस्टेड कंपनी मेक्स अ इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स फॉर द पब्लिक इट इज कॉल्ड आईपीओ। बट आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप याद रखो जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर इशू करती है इसे हम बोलते हैं आईपीओ। और यहां पर आंसर चमकते हुए आ रहे हैं, और सही आंसर क्या होगा? एचएस प्रणय जुड़े हुए हैं बैडमिंटन से, तो बैडमिंटन आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। हमारे कंप्यूटर जी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिखाएंगे जरूर, हमारे कंप्यूटर जी भी काफी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, हेडफोन लगा के बैठे हुए हैं और आंसर लगा रहे हैं यहां पर, बैडमिंटन। तो बिल्कुल सही आंसर है बैडमिंटन। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो बेस्ड है स्कीम पर स्टेट गवर्नमेंट की। आइए जल्दी से फटाक से गाइज, अगर आपको हमारा शो अच्छा लग रहा है प्लीज, और प्लीज हमारे शो को रिकमेंड करें लोगों को कि हमारे शो पर आए जहां पर वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आपको हम देंगे, और हमारे शो को लाइक करें, और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो सब्सक्राइब कर लें। विच स्टेट हैज लॉन्च अ टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर अंडर द नेम 181 सखी टू टैकल क्राइम अगेंस्ट वुमेन? किस स्टेट ने 181 सखी स्कीम सखी नंबर लॉन्च किया है जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम होता है उसे रोकने के लिए? आपको उसका आंसर देना है। और क्या इसका सही आंसर होगा? राजू बोल रहे हैं बी मध्य प्रदेश, और कोई आसाम लोग बोल रहे हैं, हरियाणा बोल रहे हैं। तो बेटा ये चीज आपको लर्न करनी होगी, ये जो नंबर्स आते हैं ना, नंबर्स, टोल फ्री नंबर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। और सही आंसर है आसाम। तो आसाम ने ये 181 टोल फ्री नंबर सखी लॉन्च किया है टू अगेंस्ट वुमेन क्राइम। ठीक है, चलिए तो यहां पर कंप्यूटर जी आपको आंसर भी दिखा रहे हैं, आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो असम सही आंसर है बेटा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 इज बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में टेनिस हमेशा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टेनिस के बहुत सारे इवेंट होते हैं। हु इज द विनर ऑफ द 11th बार्सिलोना ओपन टेनिस टाइटल? मतलब बार्सिलोना ओपन 11वां टेनिस टाइटल किसने जीता, आपको इसका आंसर देना है। और ये क्वेश्चन यहां पर है, चार ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे, और गाइस सही आंसर क्या होगा बेटा ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दे, यहां पर मैं वेट कर रहा हूं कि क्या आप सही आंसर दे पा रहे कि नहीं। कॉमन मैन ने बोला है राफेल माई फेवरेट, ओके देखता हूं राफेल माई फेवरेट क्या सही आंसर है या नहीं। और बताएं लोग, और बताएं राफेल नडाल बिल्कुल सही आंसर है। राफेल नडाल ने बार्सिलोना ओपन जीता है। आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, हमारे कंप्यूटर जी हैं जिन्होंने आपको यह दिखाया है किसको इन्होंने हराया है, ये भी आपको शो यहां पे हो रहा होगा। ठीक है, राफेल नडाल बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग प्लस फाइनेंशियल अवेयरनेस। क्वेश्चन क्या है? फ्यूचर ऑप्शन फॉरवर्ड एंड स्वैप आर मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ, ये फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है, स्वैप क्या होता है, आपको यह बताना है। चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, लिक्विड फंड, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव, ऑफर फॉर सेल, आपको इसका आंसर देना है। देखते हैं कौन इसका सही आंसर देता है। यह क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन जो हमारा शो है इसमें करंट अफेयर्स भी है, इसमें स्टैटिक भी होगा, तो मैं तो ये बोलूंगा जो बच्चे बैंकिंग, रेलवे और एसएससी तैयारी कर रहे हैं वो भी आए, बिकॉज इकोनॉमिक्स आप में आती है और यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा आपके लिए। हाँ सुमिता, बिल्कुल आपने पहले आंसर दिया, और यहां पर आया है ज्योति का आंसर, डेरिवेटिव बोल रही है, डेरिवेटिव। तो भाई ये कैपिटल मार्केट तो है, लेकिन कैपिटल मार्केट में जो एक पार्ट होता है डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव्स हैं, फॉरवर्ड डेरिवेटिव, फ्यूचर डेरिवेटिव, ऑप्शन डेरिवेटिव, स्वैप डेरिवेटिव, ये सब डेरिवेटिव के एग्जांपल्स हैं। डेरिवेटिव क्या होता है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बेटा ये थोड़ा बड़ा टर्म है जो मैं अभी यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, फिर भी आप ये समझ लो, अभी के लिए रट्टा मार लो कि ये डेरिवेटिव है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ 2017 का क्वेश्चन आया था कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में क्या था, डेरिवेटिव, तो आपको डेरिवेटिव करना था। यहां पर कंप्यूटर जी आपको डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी दिखाई दे रहे हैं, तो डेरिवेटिव कैपिटल मार्केट नहीं, डेरिवेटिव है ये सब, डेरिवेटिव। ठीक है, और काइंडली लाइक द शो, बच्चे बोल रहे हैं अगर बच्चे आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारा शो लाइक जरूर करें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, स्टैटिक जीए का एक क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ सर्बिया, सर्बिया की करेंसी क्या है, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपको करेंसी का ट्रिक देखना है, मैंने दिनार की ट्रिक दी हुई है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां पे कंट्री करेंसी पार्ट वन में आपको इसकी ट्रिक दिख जाएगी। ठीक है, चलिए बताएं मुझे सर्बिया की करेंसी क्या है, सर्बिया की कैपिटल क्या है, मुझे बताएं, दोनों बताएं मुझे। महिमा राठौर कैसी हैं आप, और हमारा शो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, और आप कमेंट कर पा रही कि नहीं, ये भी हमें बताएं। ठीक है, और बेटा मैं डेरिवेटिव पे वीडियो बना दूंगा, ऐसे बेटा बहुत बड़ा है ये, और आपको सही आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है फ्रैंक, कैसे हो जाएगा यार, इसका सही आंसर है दिनार। सर्बिया की करेंसी है दिनार, आपको यहां पे हमारे कंप्यूटर जी दिखा रहे होंगे आपको एक्सप्लेनेशन, सर्बिया की कैपिटल क्या है, बेलग्रेड, और करेंसी क्या है, सर्बियन दिनार। ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे हम, आपको पूरा रिवीजन करवाएंगे स्टैटिक का, करंट अफेयर्स का, बैंकिंग का, ताकि आप किसी बैंकिंग एग्जाम में किसी से बेवकूफ ना बने और अच्छे मार्क्स आप लेकर आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा. क्वेश्चन नंबर 21, विच इंडियन स्टेट हैज वॉन द संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप 2018. ये क्वेश्चन हमारे स्पोर्ट्स पर बेस्ड है. किस देश, किस स्टेट ने संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है. एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो आप इस ये क्वेश्चन देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा. संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, ठीक है. चलिए और अब आंसर दें. हाँ, नोवाक जोकोविक की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है. मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं. हाँ, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कल के शो में हम इसे इंक्लूड करेंगे. प्लीज आइए हमारे शो पर. और यहां पर आंसर बच्चे दे रहे हैं केरला. क्या केरला सही आंसर है ये हमें देखना होगा. और यहां पर केरला के ऑप्शन ज्यादा हैं, तो आप इतने प्यार से बोलोगे तो हम केरला ही बोलेंगे. केरला बिल्कुल सही आंसर है, तो केरला हम लॉक करते हैं. देखो यहां पर पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है कि संतोष ट्रॉफी फाइनल किस स्टेडियम में हुआ. तो साल्ट लेक स्टेडियम कहां पे है, कोलकाता में है. स्टैटिक जीए आप यहां पे सीख जा रहे हो, ठीक है. और किसको हराया बेटा, तो यहां पे बंगाल को हराया. बंगाल को हराया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है संतोष ट्रॉफी. केरला वेस्ट बंगाल को हराया. कहां पर हुआ, साल्ट लेक स्टेडियम. ये कहां पे है, कोलकाता में है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा, देखते हैं फटाक से. इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव, इंडिया फर्स्ट इंसेक्ट म्यूजियम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट. पहली बार हमारे देश में एक कीड़ों पर संग्रहालय बनाया गया है, वो किस स्टेट में बनाया गया है ये आपको बताना है. कीड़ों पर, जी हां, कीड़ों पर, कीड़ों पर. वेल, कनिष्ठा बिल्कुल सही, डिफिटेड वेस्ट बंगाल, आपने आंसर दे दिया. अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दें कि कीड़ों पर, इंसेक्ट पर पहला म्यूजियम किस स्टेट में बना है. कृष्ण, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं. अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल हिंदी भी ऐड कर पाऊं, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जो करूंगा, ठीक है. चलिए और अब तमिलनाडु आंसर आ रहे हैं. क्या तमिलनाडु सही आंसर है, हम देखते हैं इसको. ठीक है, ठीक है, कोयम्बटूर, ठीक है. इसका सही आंसर है तमिलनाडु. हाँ, तमिलनाडु बिल्कुल सही आंसर है. तमिलनाडु में पहला कीड़ों पर म्यूजियम बना, आपको हमारे कंप्यूटर जी एक्सप्लेनेशन भी दिखा रहे होंगे, ठीक है. 5 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए हैं और इसको लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर के पलना स्वामी ने, तमिलनाडु के जो है. बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत अच्छे. तमिलनाडु में कोयम्बटूर में, वेरी गुड, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोग भी दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं. इस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स, यहां पर बात नेशनल इनकम की हो रही है. आइए फटाक से देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जाम में नेशनल इनकम पर एक क्वेश्चन आया है, इसलिए हम यहां पर इसे एड ऑन कर रहे हैं. चलिए देखिए, द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री और रीजन डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन इज नोन एज. मतलब अगर किसी देश की नेशनल इनकम को उसकी पॉपुलेशन से हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है. और कॉमन में बोलना है जीएनपी. कॉमन मैन, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे. और कोई बताए मुझे, जल्दी मुझे बताएं. क्या मैंने पूछा है इसका आंसर, लोग बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं. सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है पर कैपिटा इनकम. भाई एवरेज निकालने की बात हो रही है ना, नेशनल इनकम डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन. क्या मिलेगा हमें, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम. तो पर कैपिटा इनकम बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है. तो कॉमन मैन प्लीज से सही करें आप, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. तो कंप्यूटर जी आपको एक्सप्लेनेशन दिखा रहे होंगे, देख लीजिए. और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 24, क्वेश्चन नंबर 24 इज बेस्ड ऑन बैंकिंग अवेयरनेस एज वेल एज फाइनेंशियल अवेयरनेस. जल्दी से, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला है बेटा ये. बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. बोला गया है बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, आपको यह बताना है. देखता हूं मैं क्या इसका सही आंसर आता है. और कॉमन मैन अब सेक्शन 5 बोल रहे हैं, और देखते हैं क्या इसका सही आंसर होगा. जल्दी से फटाक से आए और आंसर दें. सेक्शन 5 लोग बोल रहे हैं, तो बेटा ये बिल्कुल सही आंसर है. सेक्शन 5 मतलब याद रखना, प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 और चेक सेक्शन 6. याद कर लेना, प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 और चेक सेक्शन 6 में होते हैं. कंप्यूटर जी हमको एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं इसका. सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 आपको याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये बेटा. बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. आइए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 25 क्या हमारा, जल्दी से. Which among the given has tied up, मतलब agreement with Indian Medical Association to launch exclusive credit card for doctor? इनमें से किसने Indian Medical Association के साथ agreement किया है doctors के लिए credit card issue करने के लिए, आपको उसका answer देना है. हाँ लॉस्ट बॉय, मैं कमेंट देख रहा हूं बेटा, कमेंट थोड़ा जल्दी आते हैं तो हम उतना देख नहीं पाते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. और यहां पर कॉमन मैन ने बोला है SBI, SBI कार्ड, ओके. निशांत गुप्ता बोल रहे हैं रुपए. कॉमन मैन बी, ठीक है, मैं देख लिया. निशांत गुप्ता रुपए देख लिया मैंने. सुमित चंदेल 2 बोल रहे हैं SBI कार्ड.
आगे देखते हैं, SBI कार्ड बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं पता नहीं बेटा, तो पता करिए से शो देखे, ठीक है। और इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर नहीं, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में, तो ये मत बोलिए बेटा। और इसका सही आंसर है आपका SBI कार्ड। तो SBI कार्ड बिल्कुल सही आंसर है। कंप्यूटर जी एक्सप्लेनेशन प्लीज दिखाएं यहां पर कि SBI कार्ड ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ एग्रीमेंट किया है क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए, और इस CC में क्या होगा बेटा, आपको डॉक्टर्स को इंश्योरेंस भी मिलेगा 10 लाख रुपए का, ठीक है, देख लीजिएगा इसे भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 क्यों मैं लेकर आया हूं, बिकॉज अप्रैल मंथ में वेस्ट अफ्रीका स्टेट का एक समिट हुआ था, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। आइए, द हेडक्वार्टर ऑफ द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीका स्टेट, जिसे हम शॉर्ट में ECOWS बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, ये स्टैटिक GA का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। सब लोग जानते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहां पे है, वर्ल्ड बैंक कहां पे है, तो ये बताओ, ये थोड़ा टफ मैंने पूछा आपसे। कोमल आप बोल सकते हो कि बॉब के, देखो हम क्या कर रहे हैं, जो गलतियां पहले हुई हैं वो अब नहीं होनी चाहिए, हम सब कुछ लेकर आएंगे, सब कुछ करवाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए, और अब आपको इसका आंसर देना जो मैंने आपसे पूछा है, और यहां पर सही आंसर क्या होगा। राजू बोल रहे हैं बी प्रे कैप, अंधेरे में तीर मारना है ये। दीपिका बोल रही है नाइजीरिया, ओके नाइजीरिया, अच्छा अबूजा, ठीक है अबूजा नाइजीरिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और इसका सही आंसर है नाइजीरिया, नाइजीरिया बिल्कुल सही आंसर है। यहां पर कंप्यूटर जी आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखाएंगे, हम थोड़ा सा वो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो कोई और नहीं करवाता है, ताकि एग्जाम में वो क्वेश्चन आए तो आप प्लीज हमारे मतलब अपने आप पर गिल्ट फील ना करें कि काश हमने ये पढ़ लिया होता, ठीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी से, नेम द सेलिब्रिटी हु हैज वन ऑनर्ड विथ दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2018 फॉर द बेस्ट लीडिंग लेडी क्रिटिक्स अवार्ड। मतलब कि दादा साहब फाल्के बेस्ट लीडिंग लेडी का अवार्ड किस एक्ट्रेस को मिला, ये आपको बताना है। यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और आई थिंक ये बहुत क्लियर होगा। सुनील भिस्ट, अरे भाई तुम तो मेरे भाई हो यार, कैसी बातें तुम कर रहे हो यहां पर। चलो और आंसर दो फटाक से, जल्दी आंसर दो। और कॉमन मैन का आंसर है अदिति रॉय, बोल रहे हैं इनका अभी तक एक क्वेश्चन गलत हुआ अभी तक। और लोग देखते हैं यहां पर, अदिति रॉय, रितु बोल रही हैं, जागृति, दीपक, योगेश, सुधीर, मैं आंसर देख पा रहा हूं। और इसका सही आंसर है अदिति रॉय हैदरी। किस मूवी के लिए मिला, तो अभी कंप्यूटर जी आपको दिखाएंगे एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए। ये भूमि मूवी के लिए इनको ये अवार्ड मिला, इनके साथ संजय दत्त भी एज अ एक्टर वर्क कर रहे थे, तो ये चीज आपको लर्न कर लेनी है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारा, आइए, What does R stand for in LIBOR? ये भी हमारा financial awareness का एक question है। LIBOR में R का मतलब क्या है? इसका full form आपको बताना है। LIBOR काफी बार आपके exam में आया है। देखते हैं कौन लोग इसका answer देते हैं। जल्दी से देखते हैं यहाँ पर फटाक से कौन इसका पहला answer देता है। यहाँ पर LIBOR में R का मतलब क्या है? ठीक है, ठीक है। भूमि मूवी के लिए, हाँ वो हो गया। अभी इस क्वेश्चन का आंसर दें। और कॉमन मैन ने बोला लंडन इंटर बैंक ऑफर रेट, मतलब रेट इनका आंसर है, रेट बोल रहे हैं। और देखते हैं रेट, सुनील रेट बोल रहे हैं, योगेश रेट बोल रहे हैं, इसका सही आंसर है रेट, लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट। कंप्यूटर जी प्लीज इन्हें एक्सप्लेनेशन दिखाएं, और एक्सप्लेनेशन में आपको यह चीज दिखाई दे रही होगी, लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट, ये एक तरह का इंडेक्स होता है बेटा, जहां पर इंग्लैंड के बैंकों के क्या ब्याज दर इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, ये हम देखकर यहां से लोन ले सकते हैं, लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, फुल फॉर्म सही है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या है आज का, देखिए, Which among the following bank has launched InstaOD, an instant overdraft facility for the micro, small and medium enterprises? बेटा overdraft का मतलब क्या होता है, आपके अकाउंट में जितना पैसा है आप उससे ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं अपने अकाउंट से। जल्दी से आंसर करें यहां पर, और क्या इसका सही आंसर होगा, मैं यहां पर देखूं कौन पहला इसका आंसर देता है। महावीर पनवार, बिल्कुल नहीं, जो पहला आंसर देगा मैं उसका नाम हमेशा लेता हूं, ठीक है। और क्या इसका आंसर है, यहां पर आंसर आ रहा है, लोग बोल रहे हैं ICICI, और देखता हूं ICICI, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, जय माता दी रॉक्स, उसका सही आंसर है ICICI बैंक। तो जो MSME है, अगर उनको अचानक से लोन चाहिए, ओवरड्राफ्ट चाहिए, तो ICICI बैंक इनको देगा, बिल्कुल सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं फटाक से, जल्दी से, और तेजी से कुछ 30 क्वेश्चन बेस्ड है ब्रांड एंबेसडर पर। Who has been appointed as the first Indian brand ambassador of Uber? मतलब Uber का पहला brand ambassador, पहला Indian brand ambassador कौन appoint किया गया है? सुनील बिल्कुल सही, मनीषा बेटा बिल्कुल सही, प्रदीप, निखिल बेटा सही है बेटा, एकता आंसर आप लोग बिल्कुल सही दे रहे हो, शुभम बिल्कुल सही बेटा, अमन खान बिल्कुल सही। और अब क्वेश्चन नंबर 30 के आंसर दें, क्या इसका सही आंसर होगा? एडम फॉरएवर बेटा, वेलकम बेटा, मोस्ट वेलकम आपका। और पूर्णिमा का आंसर आया है, बोल रही है विराट कोहली, कॉमन विराट कोहली, ठीक है
ठीक है। और इसका सही आंसर क्या है? विराट कोहली। विराट कोहली बिल्कुल सही आंसर है, हम इसे लॉक करते हैं विराट कोहली। तो विराट कोहली जो है ये पहले इंडियन बने हैं जिन्हें की उबर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। नहीं, सलमान भाई नहीं है, विराट कोहली भाई है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो सही आंसर है, तो आपको ये कंप्यूटर जी ने एक्सप्लेनेशन भी दिखा दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 31 फटाक से। विक्टर ऑर्बन has been re-elected as the Prime Minister of which country for the third straight term? Victor Orban जो है ये किस देश के तीसरी बार बने हैं Prime Minister? आपको इसका आंसर देना है। यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जल्दी जल्दी, टाइम कम है हमारे पास, फटाक से जल्दी से इसका आंसर दे। विक्टर ऑर्बन किस देश के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं? आपके सामने चार ऑप्शन दिखाई आपको दे रहे हैं, सही आंसर क्या होगा वो आपको देखना है। हाँ, आदित्य कुमार आप भी हैं, आदित्य कुमार आप भी हैं बिल्कुल। और यहां पर कॉमन मैन ने बोला है, निशांत ने बोला है हंगरी का सही आंसर है। निशांत बेटा, दीपिका बेटा, राकेश, ओके, निशांत, जय, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हंगरी आ रहा है, हंगरी को लॉक करते हैं। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोगों ने काफी स्टडी किया है, मैं इंप्रेस हूं, काफी इंप्रेस हूं आज, ठीक है। कंप्यूटर जी ने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 32 इज अगेन बेस्ड ऑन बैंकिंग पे, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वॉज सेटअप अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? मतलब जो हमारे देश में करेंसी इशू करता है वो है आरबीआई, लेकिन करेंसी प्रिंट कौन करता है? बीआरबी एनएमपीएल। तो बीआरबी एनएमपीएल जो है बेटा ये एक प्रिंटिंग प्रेस है जहां पे करेंसी प्रिंट होती है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में वर्क करता है। क्वेश्चन पूछा गया किस एक्ट के अकॉर्डिंग ये एस्टेब्लिश किया गया है, जल्दी से आंसर दें। रेखा अलवानी आप भी हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं, सुरभि फोरेंट बोल रहे हैं कुछ, खुशबू सिंह, हाँ बेटा बिल्कुल, आप भी आंसर दे रही हो, आप रॉकस्टार हो हमारे बैंकिंग अवेयरनेस करंट अफेयर्स की, ठीक है। और आंसर दें फटाक से, और इसमें बच्चे गलती करेंगे मुझे पता है, बच्चे इसमें गलती करेंगे मुझे पता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है, हाँ, प्राची पल्लवी का आंसर सही आ गया है। इसका सही आंसर है कंपनी एक्ट 1956 यहां पे दिया है, एग्जैक्टली में कंपनी एक्ट 2013 हो चुका है, तो कंपनी एक्ट 2013 के तहत ये रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है, ना आरबीआई एक्ट ना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन कंप्यूटर आपको दिखाई दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 इज अगेन बेस्ड ऑन स्टैटिक जीए, द हेडक्वार्टर ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इज सिचुएटेड इन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है आपको यह बताना है। हाँ हाँ, महावीर पनवार आप सुपरस्टार हैं, आप सुपरस्टार हैं, आप रॉकस्टार हैं, ठीक है ठीक है। सुनील बिस्ट, हाँ मैं रॉकस्टार नहीं हूं भैया, चलो बताओ आंसर दो। और यहां पर कॉमन मैन का आंसर है कुआलालंपुर बोल रहे हैं, लॉस्ट बॉय आपका सही है, बिल्कुल सही है। और अब इसका आंसर दे जो मैंने पूछा, दीपिका पूछ रही है मलेशिया, मतलब हाँ कुआलालंपुर, ओके 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 ओके, इसका सही आंसर है कुआलालंपुर मलेशिया, बिल्कुल सही आंसर मलेशिया। कंप्यूटर जी आपको एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दिखा दिए होंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 आइए। जस्टिन लैंगर एक ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, ओपनर थे टेस्ट मैच में, हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ विच कंट्री नेशनल क्रिकेट टीम। जस्टिन लैंगर को किस देश का कोच अपॉइंट किया गया है ये आपको बताना है। इन्होंने डारन लेहमन को रिप्लेस किया है, आंसर दे फटाक से। जस्टिन लैंगर वाला क्वेश्चन का आंसर दें, किस क्रिकेट टीम ने इन्हें अपना हेड कोच अपॉइंट किया है? और यहां पर आंसर आ रहे हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अच्छा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑस्ट्रेलिया ने जस्टिन लैंगर को अपना बनाया है हेड कोच, रिप्लेस किया है डैरन लेहमन को, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको दिख रही होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, क्या होगा हमारा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2018 इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स? इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है आपको यह बताना है। यहां पर आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। और सही से आंसर दें आप लोग, क्या इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन 35 का आंसर? और इसका आंसर अभी तक नहीं आया है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और इसका सही आंसर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, बिकॉज क्या होता है बेटा कि इंडेक्सेड क्वेश्चन आते हैं, आंसर आने शुरू हो गए हैं। यहां पर 47 लोग बोल रहे हैं, 47 और इसका सही आंसर है 47। हाँ, टिम पेन कैप्टन है, बिल्कुल है, वो जो वो धोखाधड़ी हो गई थी गेंद वाले, उसके बाद 47 सही आंसर है। कंप्यूटर जी आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखा रहे हैं यहां पर, ठीक है सही है, 47। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, विच अमंग द गिवन टर्म हैज वॉन द 27th सुल्तान अजलन शाह कप? सुल्तान अजलन शाह कप में कौन सी टीम जीती है आपको यह बताना है। यहां पर चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, चारों ऑप्शन में कौन सा सही सही ऑप्शन होगा। सुल्तान अजलन शाह काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये आता है, रेलवे के एग्जाम में हो, चाहे SSC के एग्जाम में हो, चाहे बैंकिंग अवेयरनेस के एग्जाम में हो, आपको यह बताना है। बड़ा सिंपल आंसर इसका है, देखते हैं कौन इसका पहला सही आंसर देता है। सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट ये किस देश ने जीता है आपको यह बताना है।
चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आंसर आना शुरू हो गए हैं. लोग बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया जीता है, किसको हराया है? कंप्यूटर जी प्लीज एक्सप्लेनेशन दिखाएं. और ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर इंग्लैंड को हराया है 2-1 से. ऑस्ट्रेलिया ने ये 10वीं बार खिताब जीता है. ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही आंसर ऑस्ट्रेलिया. क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं. फॉर अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, मतलब ये क्वेश्चन जो है ये बैंकिंग पर बेस्ड है. फॉर अ स्मॉल फाइनेंस बैंक एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स लोन पोर्टफोलियो शुड कॉन्स्टिट्यूट लोन्स एंड एडवांस ऑफ अप टू. मतलब बोला गया है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो ये लोन बांटेंगे, मान लो एक स्मॉल बैंक ने 100 करोड़ रुपीज का लोन बांटा, 50% मतलब 50 करोड़ रुपए. तो 50 करोड़ रुपए का जो मतलब जो ये 50% है वो किस पोर्टफोलियो में होना चाहिए, कितने अमाउंट में यह होना चाहिए? मतलब किसी भी कस्टमर को इसके ऊपर पैसा नहीं दिया जाएगा. यहां पर चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है गाइस. देखते हैं सही आंसर क्या है. कॉमन मैन बोल रहे हैं 25 लाख. ओके सही आंसर क्या होगा? 10 लाख. नहीं नहीं नहीं, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 25 लाख रुपए. 25 लाख रुपए सही आंसर है. मतलब सुन लो, अगर स्मॉल बैंक एक साल में 100 करोड़ रुपीज लोन बांटता है, उसका 50% कितना हो गया? 50 करोड़. तो जो ये 50 करोड़ अमाउंट है उसमें से किसी भी पर्सन को 25 लाख से ऊपर का लोन नहीं दिया जाएगा. तो 25 लाख सही आंसर है, याद कर लीजिएगा. स्मॉल बैंक पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर हमारा 38 आपको देख लेते हैं एक बार. नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, आपको यह बताना है. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है गाइस, आपको प्लीज इसका आंसर देना है. चलिए, अगर पता नहीं पवन चौहान तो कोई बात नहीं है, आप बस याद कर लीजिए 25 लाख रुपए मतलब 50% जो इनका पोर्टफोलियो है 25 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए. ठीक है, और यहां पर नवनीत बोल रहे हैं एम एस साहू सही आंसर है कि नहीं. एम एस साहू आंसर आ रहे हैं. उसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एम एस साहू. इसे लर्न कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एम एस साहू, तो यहां पे कंप्यूटर जी आपको एक्सप्लेनेशन दिखा चुके होंगे. एम एस साहू सही आंसर है, सही बिल्कुल सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 39. थकिए मत, अभी क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी आइए और दिखाइए कि आपको ये पता है कि नहीं पता, जल्दी से. विच ऑफ द गिवन सिटी हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी टू लिव इन एज पर द 2018 वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट बाई इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट. यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने क्या बोला है कि रहने के लिए कौन सा शहर सबसे महंगा है. चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर. ठीक है, कि रहने के लिए पूरे वर्ल्ड में कौन सा शहर सबसे महंगा है ये आपको बताना है. जल्दी से बताएं, मैं यहां पर वेट कर रहा हूं. हाँ, हर्षा ट्रिपल बी पर क्वेश्चन आ चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा में. भानु प्रताप हैं और सिंगापुर आंसर आ रहे हैं. सिंगापुर बिल्कुल सही आंसर है. कंप्यूटर जी आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिखा देंगे. सिंगापुर सही आंसर है, इसे आप रट्टा मार लीजिएगा. ठीक है, एक सिंगापुर बिल्कुल सही आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 जल्दी आइए. ये क्वेश्चन बेस्ड है प्योर फाइनेंस पर और ये क्वेश्चन हेल्प करेगा आरबीआई ग्रेड बी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ के लेवल पे. चलिए, असेट दैट और दैट आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस आर कॉल्ड. मतलब कि कोई पैसा है, कुछ असेट है जो अब हमारे बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, उसका यूज हम नहीं करेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं. आपके सामने चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जल्दी बताएं फटाक से. और इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है. हाँ सिंह, इंडिया के लिए मुंबई सबसे महंगा शहर है. बिल्कुल सही. और अब आप देखें कॉमन मैन, नो आइडिया, कोई बात नहीं है. इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉन कोर असेट्स. तो अगर कोई पैसा, कोई असेट, कोई संपत्ति हमारे बिजनेस के लिए जरूरी अब नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? नॉन कोर असेट बोलते हैं. चलिए, एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा. आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 41 इज बेस्ड ऑन समिट. यह पहली बार हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है. द मेडन मतलब फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज नॉलेज शेयरिंग एंड पार्टनरशिप वॉज ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री. पहली बार ऐसा हुआ कि कोई कंट्री वाटर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पर एक समिट किया है. आपको नाम बताना है कि किस देश ने यह किया था समिट अपने यहां. जल्दी, नॉन कोर असेट. ठीक है, और अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दें कि इंडिया. अश्वनी बोल रहे हैं इंडिया, गलत है बेटा, गलत आंसर है ये. और सुमिता बोल रही है नेपाल. तो नेपाल सही आंसर है, नेपाल काठमांडू. कंप्यूटर जी आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देंगे, नेपाल काठमांडू में ये हुआ है, लर्न कर लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 42 आइए देखिए. यहां पर जस्टिस गीता मित्तल,
who has been conferred with the 2017 Nari Shakti Puraskar is the acting Chief Justice of which High Court? मतलब बोला गया है गीता मित्तल को 2017 का नारी शक्ति पुरस्कार मिला है, ये किस हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है, आपको इसका आंसर देना है। आप देख लें यहां पर आपको सामने चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। नारी शक्ति पुरस्कार 2017 का 18वें मिला है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। बताएं कि जस्टिस गीता मित्तल किस हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, आपको इसका आंसर देना है। और कॉमन मैन ने बोला है दिल्ली हाई कोर्ट बोल रहे हैं, कुछ लोग इलाहाबाद बोल रहे हैं, दिल्ली, और इसका सही आंसर है दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट सही आंसर है, आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन भी दिख गया होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं फटाक से, थोड़ा सा टाइम कम हमारे पास है, आई जल्दी से। सुमा चक्रवर्ती इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? सुमा चक्रवर्ती किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट हैं, आपको इसका आंसर देना है। जल्दी आंसर दें, थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, फटाक से। और यहां पर क्या सही आंसर होगा मैं देखता हूं, यहां पर टफ नहीं है बेटा, मैं फिर से बोलता हूं टफ कुछ होता ही नहीं है, या तो आपको आएगा या तो आपको नहीं आएगा बेटा, ठीक है। 2017 का क्वेश्चन नहीं है बेटा, 17 का अवार्ड 18 में मिला है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट सही आंसर है। कंप्यूटर जी इसका आंसर आप दिखा देंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे ये भी दिखा दीजिए, लंदन में है और एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1991 है। बिल्कुल सही सत्य प्रकाश, बिल्कुल सही बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, जो बेस्ड है डिजिटल बैंकिंग पर, डिजिटल बैंकिंग काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इन आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यूनिक आईडी एंड विच व्हाट इज यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस? गांव में जहां पर बैंक नहीं होते वहां पर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट जाते हैं, इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है एक मशीन जहां पर हम क्या करते हैं, थंब इंप्रेशन करते हैं, और आपके पास डेबिट कार्ड होगा, आप इनके पॉइंट ऑफ सेल में स्वैप करेंगे, आपको पैसा मिल जाएगा। तो क्या क्या जरूरी है ये आपसे पूछा गया है। निशान बोल रहे हैं पिन नहीं, और प्रवीण रेड्डी बोल रहे हैं बायोमेट्रिक, तो इसका सही आंसर है बायोमेट्रिक। मैंने क्या बोला, थंब इंप्रेशन, बायोमेट्रिक सही आंसर है। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में आपका मतलब यहां पे जो कंप्यूटर जी हैं वो आपको दिखाएंगे IIN नंबर, आधार नंबर एंड बायोमेट्रिक डेटा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन आज तक एग्जाम में कभी नहीं आया, चलिए मैंने इसीलिए दिया यहां पर। क्वेश्चन नंबर 45 जल्दी से, द फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2019 विल टेक प्लेस इन विच कंट्री? फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2019 किस देश में होगा, आपको यह बताना है। जल्दी बताएं, फटाक से बताएं, चार ऑप्शन आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, और सही आंसर क्या होगा ये आपको देखना है। और इसका सही आंसर है चाइना, नवनीत बोल रहे हैं चाइना, ठीक है देखते हैं, और ठीक है चाइना, तो चाइना बिल्कुल सही आंसर है। चाइना में 2019 का फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाएगा चाइना, इसे आप लर्न कर लें, और आपको कंप्यूटर जी एक्सप्लेनेशन भी यहां पर दिखा देंगे। चाइना बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 46 इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट स्कीम का नाम क्या है, निश्चय औषधि पोर्टल। तो निश्चय औषधि पोर्टल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज बीन लॉन्च फॉर ट्रीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? गवर्नमेंट ने निश्चय औषधि पोर्टल को लॉन्च किया है किस बीमारी को ठीक करने के लिए, चार ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जल्दी बताएं इसका आंसर। शिल्पा बोल रही है डू सेशन ऑन बैंकिंग टर्म्स एमसीक्यूज बिफोर क्लर्क मेंस प्लीज, ओके, मैं आपकी बात को ध्यान दूंगा बिल्कुल। और सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं मुझे यहां पर, और सही इसका आंसर है ट्यूबरक्लोसिस आपको लर्न करना है गाइस, ट्यूबरक्लोसिस। तो यहां पर देखें आपको ये एक्सप्लेनेशन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में साफ साफ बोला गया है कि 2030 का टारगेट है किसका, मतलब कि पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल टारगेट कि 2030 तक हम खत्म कर देंगे, लेकिन इंडिया का टारगेट है 2025, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 इज बेस्ड ऑन अपॉइंटमेंट, हु अमंग गिवन हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ कमर्शियल ऑफिसर ऑफ द गो एयर एयरलाइंस? मतलब गो एयर एयरलाइंस के चीफ कमर्शियल ऑफिसर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है, ये आपको बताना है। सुधीर बेटा, इंडिया का टारगेट है ट्यूबरक्लोसिस खत्म करना 2025, और पूरे वर्ल्ड का टारगेट है 2030, लर्न कर लीजिएगा इसे, ओके। आरके त्रिवेदी, मैं आपकी बात समझ गया, ठीक है इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आ रहा है, कॉमन मैन बोल रहे हैं मनीषा रंगीना, राहुल बोल रही हैं सुमिता, सही आंसर क्या है, और सही इसका आंसर है, इसका सही आंसर है रोश, इसका सही आंसर क्या होगा, मनीष रेंगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 48 इज बेस्ड ऑन बैंकिंग अवेयरनेस, प्लीज एंड प्लीज देखें क्वेश्चन को।
which section of the Reserve Bank of India Act 1934 defines composition of the Central Board of the Reserve Bank of India and term of Office of Directors. अगर आपने मेरा बैंक आरबीआई का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया कि आरबीआई के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में 21 लोग होते हैं. तो ये 21 लोग जो अपॉइंट होते हैं और जो इनके टर्म्स होते हैं, टाइम पीरियड होता है, वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, जल्दी आपको बताना है यहां पर. और यहां पर सही आंसर क्या होगा, एक बार मैं वेट कर रहा हूं यहां पर सही आंसर. और ये आंसर अभी नहीं आ रहा है शायद ये. अच्छा, एडम फॉरे बोले ऑप्शन बी मतलब 8, सेक्शन 8. ओके, अभिरुचि बोल रही है सेक्शन 8. इसका सही आंसर क्या है, सेक्शन है आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 8. तो कंप्यूटर जी एक्सप्लेन कर दें. तो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंगली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ मेंबर्स का अपॉइंटमेंट और इनके टाइम ड्यूरेशन को तय किया जाता है. सेक्शन 8 याद कर लीजिएगा. आइए क्वेश्चन नंबर 49 इज बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. नासा लॉन्च्ड इट फर्स्ट एवर मिशन इन मे 2018 टू स्टडी द डीप इंटीरियर ऑफ मार्स एंड ट्रेसेस ऑफ हाउ इट फॉर्म. तो नेम द मिशन. नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है मे में कि ये मार्स पर जाएंगे और मार्स पर जाके मार्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे. तो कौन से मिशन का, इस मिशन का नाम क्या है बताएं. सेक्शन बताए तो बेटा, सेक्शन 8 आपका, जल्दी बताएं आंसर इस क्वेश्चन का. हाँ हाँ, बिल्कुल सही आंसर. और यहां पर सुनील साहू का आंसर आया, बोल रहे हैं इनसाइट. क्या इसका सही आंसर इनसाइट है. और इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. करंट अफेयर्स जो है वो सारे सेक्शन, सारे एग्जाम के लिए हैं. इसका सही आंसर है इनसाइट. तो इनसाइट जो है, कंप्यूटर जी आपको यहां पर दिखा रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन गाइस. तो ये हमारा था सेशन जो हमने कंप्लीट किया. सेशन में हमने कोशिश की कि आपको हम बैंकिंग एज वेल एज करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन दे पाए. जिन बच्चों को थोड़ा भी डाउट है माइंड में कि ये केवल बैंकिंग के लिए, तो मेरी बात समझिएगा, जो बैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं वो बैंकिंग के बच्चों के लिए है, लेकिन जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन आते हैं वो हर एग्जाम के लिए जरूरी है. ठीक है, कल का जो हमारा सेशन होगा 11:30 से, उसमें हम स्टैटिक पॉइंट को रखेंगे ज्यादा, करंट अफेयर्स भी होगा और बैंकिंग भी होगा. हम जून मंथ को टारगेट करेंगे करंट अफेयर्स में. तो गाइस 11:30 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा. हमारा शो आपको कैसा लगा, कैसा सेशन था, प्लीज हमें कमेंट में बताएं ताकि हम अपने आप को और ज्यादा आपके लिए अच्छा बना सकें वीडियो. गाइस मिलते हैं 7:30 पर, और 7:30 पर हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स की. खूब पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत हो मुझसे पूछिए, मैं हूं आपके साथ यहां पर. नहीं, क्वेश्चन 49 बना ही है, क्वेश्चन 49 बने ही हैं, 50 नहीं बने हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो हम मिलते हैं 7:30 पर गाइस, आपका मैं वेट करूंगा. और सेशन के बारे में हमें बताते रहे, कोई और इन्फॉर्मेशन आपको है तो आप हमें दे दें. अब एक और क्या दें यार. ठीक है हरेन सर, बिल्कुल सही है. ठीक है, तो हम मिलते हैं 7:30 पर. सबको बाय बेटा, और अपना ख्याल रखिएगा.